जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, नापना पूरा आसमान अभी बाकी है। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा, और आज के इस कार्यक्रम का विषय है तनाव मुक्त परीक्षा। दोस्तों, परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो हम आप कभी ना कभी जिंदगी में किसी न किसी परीक्षा से ज़रूर गुजरे हैं, चाहे वो स्कूल की परीक्षा हो, कॉलेज की परीक्षा हो, किसी कोर्स को ज्वाइन करने की परीक्षा हो, या फिर जॉब या करियर की परीक्षा हो। जब परीक्षा की बात आती है तो स्ट्रेस जो है उसके साथ ही मन में आना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस के कारण हमारी परफॉर्मेंस पर भी नेगेटिव प्रभाव कई बार देखा गया है। ऐसे में क्या ये प्रभाव होना लाजमी है? स्ट्रेस का होना हमारी ज़िंदगी में क्या लाजमी है, कितना ज़रूरी है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। कुछ हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे, स्कूल के टीचर भी होंगे और स्कूल के बच्चे भी होंगे, उन सभी से हम इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। तो परीक्षा के तनाव से कैसे बच सकते हैं और क्या कुछ रोल हो सकता है परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए पेरेंट्स का भी, आइए जानते हैं कुछ छात्रों से। आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल शर्मा है, मैं एक सुन्नी का रहने वाला हूं। तो इधर से मैंने अपनी स्कूलिंग लालपानी से की है जी। तो आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। नीट की फॉर्म नेशनल एंट्रेंस कम एग्जामिनेशन टेस्ट, ये एक नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट है जो कि आपका पैरामेडिकल स्ट्रीम्स वगैरह के लिए किया जाता है। जैसे तो मेडिकल की पढ़ाई तो काफ़ी टफ रहती है, आपको क्या स्ट्रेस रहता है इसके एग्ज़ाम के लिए? स्ट्रेस तो चलो सर पर्सन पे डिपेंड करता है, वो अगर स्ट्रेस लेगा तो स्ट्रेस होगा, वरना ऐसे पढ़ाई का दबाव तो रहता है। क्या लगता है आपको कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया से ज़्यादा दूर रहना चाहिए, इन फ़ोन वगैरह में ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए जी। आजकल के दौर में तो फ़ोन से दूर रहना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो इसे मैनेज करने के लिए सर कुछ नहीं, आपको अपना टाइम टेबल रखना पड़ेगा, अपने शेड्यूल प्रॉपर करना पड़ेगा, आपको डिसीजन से चलना पड़ेगा जी। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल अगर आप रखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से पंक्चुअलिटी भी उसमें होगी और डिसिप्लिन भी आपका बन पाएगा और आप अच्छी तरह से स्ट्रेस से बच भी सकते हैं। आप अपना नाम बताएं। नमस्ते, मेरा नाम यशस्वी है, मैं चिड़गांव से हूँ, मैं चिड़गांव में पढ़ती हूँ बाल भारती में। और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 8th में हूँ। आप जो एग्ज़ाम होता है, जब एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम आते हैं, उससे स्ट्रेस से बचने के लिए क्या कुछ कर पाते हैं? सर जब से स्कूल स्टार्टिंग होते तो हमारे को सर पहले से ही सारा करना पड़ता है, नहीं तो बाद में पेपरों के टाइम और दबाव पड़ जाता है, फिर और काम बढ़ जाता है पढ़ने के लिए। आप से जानना चाहेंगे कि बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए आप क्या कुछ उपाय अमल में लाते हैं? उपाय तो ऐसा, चलो बच्चे को थोड़ा इतना ज़्यादा फ्री भी नहीं छोड़ना कि वो पढ़ ही नहीं पाए, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं करना कि भाई तुम ऐसा करो कि भाई जो हम चाहते हैं हर एक पेरेंट्स के होते हैं कि भाई चलो बच्चा 90% सुपर मार्क्स ले या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो सारे के बच्चे तो नहीं बन पाते हो डॉक्टर इंजीनियर, तो कोई ना कोई जो जिस लाइन में बच्चा जाना चाहते हो, जहाँ उसकी शौक है उस तरफ उसको थोड़ा खुला रखना चाहिए, हमारे को भी ज़्यादा प्रेशर नहीं उसको डालना चाहिए कि हम जो हमें सोचा वैसे ही करना है तुमने। हमारे साथ इस वक्त कुछ पर्यटक भी मौजूद हैं जो कि एक गृहिणी भी हैं और एक टीचर भी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या कुछ उपाय अपनाती हैं। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गीता जलवाल है और मैं यहाँ पर शिमला में घूमने आई हूँ, और बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, और मुझे लगता है कि बच्चों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें बोलेंगे 90% 95% मार्क्स ही चाहिए सो इससे बच्चा प्रेशर में आ सकता है। उनकी क्वालिटी मेंटेन करिए, उनको अच्छी हैबिट्स में इनकलकेट करिए, ये मेरा मानना है जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी जो स्ट्रेस हम उनके ऊपर डालते हैं, एक पर्टिकुलर परसेंटाइज लेने के लिए हम उनको कहते हैं, लेकिन वो चीज़ उनके लिए स्ट्रेस को बिल्डअप करती है, तो हमें अपनी तरफ से उतना ही उन्हें प्रेशराइज करना चाहिए जितना उनकी क्षमता होती है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जोगेश है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, मैं भी स्कूल की जॉब में ही हूँ एडमिन में, और आप लोगों को पता है आप बहुत सही टाइम पे आए हैं, फरवरी में CBSE के एग्ज़ाम कमेंस होने वाले हैं, आई थिंक 15 फरवरी से 10th और 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों को प्रेशर देने की बजाय अगर बच्चों का एक रूटीन बनाया जाए, मींस वो बींग एक रूटीन में रहें, और उनको शुरू से ही स्टार्टिंग फ्रॉम द करिकुलम CBSE ने ऐसा प्लान किया हुआ है करिकुलम कि सारा कुछ प्लान्ड है, फर्स्ट टर्म कैसे होगा, सेकंड टर्म कैसे होगा, देन प्री बोर्ड, देन बोर्ड के एग्ज़ाम, सारे जो करिकुलम होता है वो सारा फिक्स होता है, बच्चों की स्ट्रेस को देखते हुए सारा करिकुलम बनाया जाता है। अब बच्चों को पढ़ने के लिए हमें ये फोर्स नहीं करना चाहिए कि बच्चों को दिन रात पढ़ना ही पढ़ना है, बच्चों को खेलने के लिए भी टाइम देना चाहिए। बच्चों एक बच्चा अगर 90% 99% लाता है तो दूसरा 70% लाता है, पर वो पढ़ने में तेज़ हो सकता है,
अदर एक्टिविटीज़ में वो दूसरा बच्चा तेज नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काउंट करती है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आज आपके पास वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, इट मेक्स यू स्मार्ट, किसी भी सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, कई सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं बट दे आर लाइक ऑसम इन देयर फील्ड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पढ़ना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, पढ़ना एक बहुत ही जरूरी, एक पर्टिकुलर आपको माइलस्टोन पढ़ाई में भी अचीव करना चाहिए ऐसा नहीं है, बट साथ के साथ खेलना और आपको प्रेशर रिलीज़ करना, खेल के साथ खेलना, प्रेशर रिलीज़ करना और पढ़ाई करना, ये तीनों चीज़ों आप बिल्कुल साथ में चलनी चाहिए बच्चों के। प्रेशर एज ए पेरेंट हम भी अपने बच्चे के प्रेशर नहीं डालते हैं कि मुझे 90% चाहिए, मुझे 100% चाहिए बच्चे, आपको इससे टॉप करना है, नहीं, आप जितना कर सकते हो अपना बेस्ट करो, दैट्स इट। इससे तो आप बताइए कि जब एग्ज़ाम होते हैं तो आप किस तरह से स्ट्रेस में रहते हैं या फिर इजीली एग्ज़ाम देते हैं? इजीली देते हूँ। क्या कुछ आपके मन में रहता है, क्या कुछ स्ट्रेस तो नहीं होता है उस समय? थोड़ा बहुत होता है कि ये वाला याद क्वेश्चन याद रहे, ये वाला क्वेश्चन याद रहे, बस वो लर्न करके आना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को जो परीक्षा पे एक तरह से स्ट्रेस रहता है परीक्षा के समय, उसको दूर करने के लिए आप क्या उपाय अपनाना चाहेंगे? देखिए मॉडर्न एजुकेशन जो है उसके तहत अगर हम बात करें तो आजकल ऐसे स्कूल्स हैं हमारे पास, एक स्कूल का नाम लेना चाहूँगा मैं, स्टोक्स मेमोरियल है, तो फिफ्थ तक तो उनका ऐसा है कि नो होमवर्क पॉलिसी है, ग्रेडिंग सिस्टम है, मतलब अब तो मतलब मॉडर्न एजुकेशन की ओर सभी लोग जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि छोटे बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए उनको नो होमवर्क की बात की जाती है और बहुत से नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, खासतौर पर अगर हम बोर्ड की परीक्षाओं की बात करते हैं और उससे हायर एजुकेशन की बात करते हैं, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? उसके लिए मेरे ख्याल से जो पता ही है, मतलब सबको पता ही है कि मतलब एग्ज़ाम्स के जो पहले है उसके उस दिन मतलब बिल्कुल आराम से सोना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, राइट, और ऐसे बच्चों को इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। हाँ टाइम टेबल देखिए एग्ज़ाम सेंट्रिक तो इतना मतलब डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, मैं तो इतना एग्ज़ाम सेंट्रिक नहीं हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस चाहता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे जो है स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो कोई सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस का भाव आ जाता है परीक्षा का नाम सुनते ही, क्योंकि ज़िंदगी की परीक्षा हो चाहे वो किसी स्कूल की परीक्षा हो, हमें स्ट्रेस होना लाजमी हो जाता है, कितना ज़रूरी है ये स्ट्रेस होना, सबसे पहले तो आप ये बताइए। स्ट्रेस जो है ये क्रिएटेड बाय पेरेंट्स, सबसे पहले मान तो मदर इज इक्वलेंट टू 100 टीचर, जो माँ है सबसे पहले जितनी अच्छी खुश मिजाज माँ होगी उतना बच्चा जो है उसकी परवरिश में उसके स्थान मिलेगा। वो अगर वो टेंशन देते हैं, टेंशन माँ को, कहीं नौकरी की टेंशन है, कहीं पड़ोस की टेंशन है, कहीं अपने व्यवसाय की टेंशन है, पति की टेंशन है, चारों तरफ से एनवायरनमेंट की टेंशन है, तो टेंशन से दूर अगर माँ है तो बच्चे के परवरिश में उसको असर पड़ेगा। जी सबसे पहली बात आपने कही है कि जो पहली पाठशाला होती है वो हमारा घर होता है, और घर में जो सबसे पहली टीचर होती है वो हमारी माँ होती है, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के ऊपर भी आगे जाएगी, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको दूर करने के लिए एक तो एवरी इंडिविजुअल को अपने फ्रेश माहौल रखना पड़ेगा, जब भी कभी बच्चे का पेपर आता है तो उसको ये पेपर का हुआ ना बताएं, फोबिया ना, एग्जामिनेशन फोबिया ना क्रिएट करें, क्योंकि जो है बड़ा हिंड्रेंस ऑब्स्टेकल्स पैदा कर देगा। एक बच्चे को अगर आराम से लिखें कि भाई एक से दस तक की गिनती लिखो या ABCD लिखो या GK लिखो, तो आप अब जब जनरल बात करेंगे तो सारा हो जाता है, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठता है तो वो ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि वो दैट इज़ ड्यू टू एग्जामिनेशन फोबिया, एग्जामिनेशन फोबिया। यही टीचर एजुकेशन में भी सिखाया जाता है, पर ये एवरी इंडिविजुअल को, पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए। कई बार बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो क्लास में सबसे अच्छा बच्चा होता है और एग्जामिनेशन के टाइम पे वो भी इतना स्ट्रेस ले लेता है कि कहीं ना कहीं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? जो बच्चा जो है कक्षा में कई बार वो बहुत अच्छा चलता है क्योंकि उसको एनकरेजमेंट, प्रेजिज एंड एनकरेजिज मिलता रहता है टीचर से, पेरेंट्स से भी तालमेल होना चाहिए, पेरेंट्स भी एनकरेज करते, प्रेजिज करते रहे, ये ना बताएं कि सभी डॉक्टर बनेंगे, सभी इंजीनियर बनेंगे, मत इस तरह का गोल फिक्स करें। अगर वो नहीं बन पाता तो कई लोगों ने IIT में भी सुसाइड कर दिए हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी सुसाइड हुए हैं, ये स्ट्रेस का माहौल है।
जो बच्चा जिस लाइक हो उस तरह से बनाए, अगर वो आईएएस बनना है तो आईएएस में डालें उसको, ये नहीं है कि पड़ोसी को देख के कि कोई पड़ोस में जो है डॉक्टर बना है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बना है मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनेगा, क्या पता हो कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, क्या पता कितना बड़ा फिलोसोफर हो, क्या पता कितना बड़ा स्कॉलर बन सके, किताबें लिखने वाला बन सके। जी आपने बिल्कुल सही बात कही कि कई बार माँ बाप जो है बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं और ख़ास तौर पर देखा गया है कि जो उनकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं वो बच्चों को रूप में उन्हें पूरी होने देखना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय अगर देखी जाए तो बच्चों का जो स्किल है उसको मापने का हमारे पास कोई यंत्र है नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे कोई यंत्र हैं जिससे हम उनको ये नाप पाएँ कि बच्चे का जो रुझान है वो किस दिशा में है, क्या कुछ इस तरह का कार्य हो रहा है? यस, हमारे जो स्कूल में है, जो हमारे स्कूल हुए, कॉलेजेस हुए, यूनिवर्सिटीज़ हुई, यहाँ पर साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जो टीचरों को पढ़ाया जाता है, तो उसको अगर ध्यान से हम देखें पहले तो सबसे पहले इंटरेस्ट जो बच्चे का है, इंटरेस्ट देखा जाता है, सबसे पहले इंटरेस्ट है, फर्स्ट फोकस इंटरेस्ट, देन प्रोसीड करेंगे, और एक माहौल है घर का माहौल, अगर हम कंजीनियल एनवायरमेंट देंगे तो बच्चा खुद ही आपको पता लग जाएगा, पेरेंट्स को खुद ही पता लग जाएगा कि बच्चा का बेंट ऑफ माइंड कहाँ है। मान लो छोटा सा बच्चा है, उसको एक साइड कलर रख दो, दूसरी साइड कुछ खेल का सामान रख दो, तीसरी साइड कुछ टीवी का सामान रख दो, कहीं कुछ और तरह, इस तरह से हमें जो है एक छोटे बच्चे को एक बेंट ऑफ माइंड के लिए उसको चेक करना पड़ेगा, उसका स्किल देखना पड़ेगा किस ओर है, तभी वो कामयाब हो पाएगा, वही एक टारगेट है, और उसको क्वेश्चन दे के भी किया जा सकता है, आईक्यू चेक किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम बात करते हैं सर कि एग्जामिनेशन जब शुरू हो जाते हैं खासतौर पर उस समय बच्चों की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से मेंटेलिटी रहनी चाहिए कि वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाए? बच्चों को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें जो है एग्जामिनेशन फोबिया से बचाना है, जो कि केवल मैं कह सकता हूँ कि 90% बच्चों में एग्जामिनेशन फोबिया हो जाता है कि एग्जाम आ गए, फिर टीचर भी कई बार गलती से बोल देता है कक्षा में भी, अरे बोर्ड के पेपर है, अरे CBSE के पेपर है, अरे ICSE के पेपर है, ये केवल हुआ नहीं है, या कई टीचर खुद ही बोल देता है यार इसमें मैथ का टीचर हूँ मैं और मैथ बहुत वो आउट होता है, या फिर इंग्लिश है, ये इंग्लिश नहीं आ रहा, ये बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स टफ सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री टफ होता है, सब्जेक्ट को एक फोबिया क्रिएट कर देना कक्षा में आने से पहले ही, एंटर से पहले ही उसको, वो गलत है। वैसे ही पेरेंट्स क्रिएट कर देना कि बेटा तेरे बोर्ड के पेपर ईजी लीजिए, उसको जो है दिनचर्या जैसी डेली है। और दूसरी तरह की एक बात और कहूँ मैं, इंजॉयबल मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, एंजॉयबल मेथड, आप आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाएं, क्योंकि हर पौड़ी आहिस्ता आहिस्ता ही चढ़ेगी, अगर आप दो तीन पौड़ियाँ चढ़ोगे एक लग तो गिरेंगे अवश्य। परीक्षाओं के दौर की अगर हम बात करते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम का दौर एक ऐसा दौर होता है जहां पे लाजमी हो जाता है कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ ही जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के कुछ छात्र जो कि बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम भूमिका शर्मा है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। आपका नाम क्या है? मनीता। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। आप भूमिका हमें बताएं कि किस तरह से जो है आजकल आपके बोर्ड से एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या कुछ स्ट्रेस महसूस कर रहे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, स्ट्रेस तो होता ही है जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये स्ट्रेस इसीलिए ही होता है क्योंकि मतलब अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसीलिए होता है। फिर अदरवाइज अगर स्टार्टिंग से हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे, प्रॉपर टाइम टेबल रखेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। हाँ मतलब थोड़ा कम होगा उस टाइम फिर। स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या बताना चाहिए? स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम योगा कर सकते हैं और बाकी जैसे हमारे हॉबीज होते हैं उन पे भी फोकस करेंगे और पढ़ाई पे भी फोकस करेंगे। जी तो पढ़ाई के साथ साथ अगर हम अपनी हॉबीज पे फोकस करेंगे तो हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छी तरह से एक्सेल कर सकते हैं। आप अपना नाम बताएं। जानवी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 10th। क्या कुछ किया जा सकता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए? मेडिटेशन कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं थोड़ी देर, और भी मतलब योगा कर सकते हैं। जी आप बताएं। हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगर हम पहले से ही प्रॉपर अगर टाइम टेबल बना के रखें तो बाद में हमें उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। जी प्रॉपर टाइम टेबल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खेल कूद की बात करते हैं तो खेल हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है? एक तरह से स्पोर्ट्स भी कहीं ना कहीं पे ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। आपको क्या लगता है जब आप खेलते हैं तो उसके बाद पढ़ाई में कितना ज़्यादा मन लग पाता है? खेलने के बाद तो मतलब थोड़ा थोड़ा मन लग पाता है क्योंकि फिर उससे माइंड फ्रेश करने के लिए तो खेलते हैं।
माइंड फ्रेश हो जाता है खेलने के बाद, और अगर हम बीच बीच में ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, थोड़ा सा बीच में गैप भी देते रहते हैं, तो हमारा मन अच्छी तरह से पढ़ाई में लगेगा। हाँ जी। और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अपने दोस्तों को, जो आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं, उनके लिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ऐसे सबको मतलब अपना प्रॉपर शुरू से रखना चाहिए कि रूटीन में पढ़े, उससे फिर बाद में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। बीच बीच में थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए भी करना चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स खेल या कुछ बीच बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए। जी आप बताएं कि कभी क्या स्ट्रेस से गुजरे हैं आप, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो? सर स्ट्रेस तो थोड़ा होता ही है, मतलब हर स्टूडेंट को होता है, पर जो इसका मतलब मेन रीज़न तो यही है कि फैमिली और जो रिश्तेदारों की तरफ से जो प्रेशर होता है ना कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, और लाइफ में अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो कुछ नहीं होगा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो अननेसेसरी प्रेशर हमारी फैमिली की तरफ से आता है या फिर दूसरों को देख के हम करते हैं कि उनका बच्चा इस तरह से काम कर रहा है और इतने मार्क्स लेके आया है, तो वो प्रेशर हमें अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर हमें स्ट्रेस दे के जाता है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम दीवांशु शर्मा है और मैं अपनी एम ए परस्यू कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में इवनिंग कॉलेज से। तो आपका जैसा प्रश्न रहा है कि उसके दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमें स्टडी को एक फन लर्निंग के रूप में लेना चाहिए, उसको ऐसे सोच के नहीं चलना चाहिए कि काफ़ी मार्क्स आ जाएंगे तो हमारा फ्यूचर डगमगा जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पिछले कालों में भी ऐसा अपना नाम गढ़ित किया है इतिहास में। तो जैसे अब्दुल कलाम जी की बात करें तो उन्होंने SSB से भी वो कई बार रिजेक्ट हुए, पर फिर भी वो राष्ट्रपति बने और अपना सपना पूरा किया, और साथ ही साल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम स्टडी को सिर्फ फन वे में ले, ना कि उस पर ज़्यादा फोकस करें और पीयर प्रेशर में आए, पीयर प्रेशर से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, स्टडी को फन वे में लेना चाहिए। और आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सपना चंदेल है और मैं अभी नाइलेट से PGDCA कर रही हूँ। जी सपना जी, आप बताएं कि जैसे इन्होंने बात की पीयर प्रेशर की, इन्होंने बात की सोसाइटी के प्रेशर की बात की, उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सोसाइटी प्रेशर को लेके तो सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है जो कि पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, कि उनको ज़्यादा मार्क्स पे फोकस नहीं करें, उनकी बच्चे की जो स्थिति होती है, मेंटल स्टेट होती है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। और बच्चे अगर पेरेंट्स ज़्यादा मतलब लाइटली लेना उन सब चीज़ों को, तो पेरेंट्स भी ज़्यादा वो नहीं करते, फोर्स नहीं करते पढ़ने के लिए। हाँ, और पेरेंट्स को फ्रेंडली रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ। और अच्छी बात आपने की है कि बच्चों को एग्जामिनेशन के टाइम में फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ पेरेंट्स का होना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो स्ट्रेस है उसमें कमी आ सके। और अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ हमें करनी चाहिए और किस तरह की हमें दिनचर्या अपनानी चाहिए, आप बताइए, आप अपना बताएं। मेरा नाम हर्ष है, मैं जाखू से PGDCA कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा क्या करना चाहिए हमें, तो मैं अपनी बात बताता हूँ। तो मैं कभी कभी ऐसे गेम खेल लेता हूँ या तो टाइम पास कर लेता हूँ, जैसे YouTube वगैरह या कोई वेब सीरीज़ देख के, तो जिससे थोड़ा मेरे को रिलैक्स फील होता है, तो फिर जब मैं पढ़ने का मन करता हूँ मैं पढ़ लेता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं जो हमारे मन में जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो हमारी हॉबीज़ होती हैं या फिर एक गैप बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम 24 घंटे बुक्स के साथ ही चिपके रहें, हमारे मन में जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए अपनी हॉबीज़ को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और योगा अगर मेडिटेशन की बात करते हैं, वो कितना ज़रूरी है? योगा भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप योगा में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप फिज़िकली एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है, खेल सकते हैं। वैसे मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए भी, तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तब तो और भी अच्छा है। पर अगर आप कुछ गेम्स खेल रहे हैं या फिज़िकली ग्राउंड में जाके कुछ खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जी आपसे जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम जो होते हैं, क्या हमें इतना स्ट्रेस लेना चाहिए कि ये हमारा आखिरी एग्ज़ाम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम तो वही सर, आपने सुना होगा कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड फ्यूचर। सर वही है कि लोगों को मतलब वो सिर्फ सोचते हैं कि पढ़ाई से उनका फ्यूचर बन सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। पढ़ाई सिर्फ इसलिए थी कि उनको नॉलेज मिले कि किस तरीके से जीना है, किस तरीके से नहीं जीना है, पर उन्होंने पढ़ाई को इस तरीके से ले लिया कि सिर्फ उसी से हमारा फ्यूचर बन सकता है, और वो किसी भी तरफ देखते नहीं और किसी भी तरफ की। एग्जामिनेशन स्ट्रेस को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए जानते हैं कुछ कॉलेज स्टूडेंट से। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हर्ष है और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन कुनिहार से बिलोंग करता हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं BCOM सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। एग्जामिनेशन स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से हम उसे मैनेज कर सकते हैं? हम टाइम मैनेजमेंट से उसको मैनेज कर सकते हैं सारे दिन, और डिसिप्लिन में और तरफ की चीज और की तरफ, मतलब जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल में लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम मोबाइल में वो व्यर्थ करते हैं। और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन फियर थोड़ा सा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कितना ज़रूरी है और कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? देखो, एनजाइटी अगर आपको हो रही हो तो आप कुछ तरीके होते हैं, जैसे
जैसे मान लो सिलेबस हैं तो आप अपने दोस्त से शेयर कर सकते हैं वो टॉपिक्स ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाएं। बाकी हेल्प किसी टीचर से ले लीजिए। बाकी अगर एनजाइटी जैसे होती है ना तो बीच में नैप्स, थोड़ी गेम्स, आउटर वर्ल्ड में जैसे थोड़ा प्ले करके। मतलब ये है कि एग्ज़ाम से जो आपका स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा गैप देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गैप दे देंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो है स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। और क्या उपाय हम अपना सकते हैं? स्ट्रेस हर एक पोर्शन के लिए लिमिटेड अगर दे सकते हैं आप तो एक प्रोग्रेस लिमिट पोर्शन में जाती है आपकी, तो बेटर फ्यूचर मतलब कर सकते हैं आप अपना। इनका कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेस है वो हम अपने ऊपर ना लेके किसी न किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करें ताकि हम हर उस लेवल पे जो है अच्छी तरह से अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएँ, उस हर क्षेत्र में अपना प्रोग्रेस कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ गृहिणियाँ भी इस वक्त मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या कुछ वो अपनाती हैं, क्या कुछ तौर तरीके अपनाती हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है शीना खान और मैं शिमला से हूँ जी। आप अपने बच्चों को अगर स्ट्रेस की बात करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन फियर होता है और एग्ज़ामिनेशन फियर के साथ साथ जो एक तरह से माँ बाप की जो भूमिका रहती है उसको भी आप बखूबी जानती हैं, किस तरह से आप निभा पाती हैं उस भूमिका को, खासतौर पर एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे? सर आई थिंक स्ट्रेस बच्चों को आजकल कम होता है, पेरेंट्स को ज़्यादा होता है, बट आई डोंट थिंक सो बीइंग अ पेरेंट हम और क्या कर सकते हैं। उनको टाइम से खाना दे सकते हैं, टाइम से उठा सकते हैं, पढ़ना तो उन्होंने ही है, ना टीचर्स ने पढ़ना है ना ही हमने पढ़ना है। तो स्ट्रेस अगर हम बोलें तो आई थिंक पेरेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि कल को एग्ज़ाम में तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा, एग्ज़ाम में जाके क्या लिखेगा, बट बच्चों को इतना स्ट्रेस नहीं होता है। बच्चों को लगता है कि हो जाएगा एंड लास्ट मोमेंट के लिए वो सब कुछ पाइल्ड अप कर लेते हैं। आई थिंक अगर वो थोड़ा सा रेगुलरली पढ़ें तो इतना स्ट्रेस, इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं कि इतना स्ट्रेस हो बच्चों को आजकल के टाइम। बहुत अच्छी बात आपने कही कि रेगुलर स्टडी होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बाद में सारा सिलेबस पाइल अप ना हो पाए। आपसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय दें। मेरा नाम कविता सुद है, मैं शिमला से ही हूँ। और जी आप बताएं कि जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, बच्चों पर स्ट्रेस दिया जाता है, कई बार कहा जाता है कि पेरेंट्स जो है अपने जो इच्छाएं हैं जो उन पूरी नहीं कर पाए हैं वो अपने बच्चों के थ्रू पूरी करना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए, कितना ये अच्छा रहता है? ये जो बात है कि हमारी जो इच्छा है खुद की पूरी नहीं हुई है, लेकिन पेरेंट्स चाहे कि हमारी इच्छा है सेम वो बच्चे पूरी करे, तो वो नहीं है। जो बच्चे खुद से चाहते हैं कि हमें इस तरह से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है कि कल को आने वाली हमारी जो लाइफ है वो एक मतलब फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज़ है और उसके अलावा जो हम लाइफ में कल को सर्वाइव करना है उसके हिसाब से सोच कर, अभी नहीं, छोटे बच्चे नहीं, जैसे 10th या 12th तक के बच्चों को शायद ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन जब बच्चे अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को जाते आगे स्टडीज़ के लिए तो वो पहले से प्रिपेयर करके जाते अपना माइंड सेटअप। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोटी क्लासेज में ही बच्चों को प्रेशर इतना देना शुरू कर देते, जैसे टीचर्स ही कहना शुरू कर देते एक बच्चा बड़ा स्मार्ट है तो उसके बहुत ही अच्छी तारीफ़ करेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते उनके सामने कंपैरिजन वो हमें नहीं करना चाहिए, ना पेरेंट्स को करना चाहिए ना ही टीचर्स को करना चाहिए। और जो रही बात हमारी कि हम अपने बच्चों जो खुद नहीं कर पाए वो बच्चे करें, जरूरी नहीं है कि वो बच्चे करेंगे ही करेंगे जी। आप बताएं कि एग्जामिनेशन जो स्ट्रेस रहता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? सर ज़्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि एग्जामिनेशन, सर थोड़ा स्ट्रेस तो एग्जामिनेशन का होना भी चाहिए, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट तक स्ट्रेस हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। अगर कोई डरता ही नहीं है कि उसको एग्ज़ाम की परवाह नहीं है तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। पर बहुत बार क्या होता है कि आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम है, अगर मैं इसको नहीं पार कर पाया तो सब खत्म है, आपकी विज़न इतनी नैरो हो जाती है कि आपको और कुछ दिखाई नहीं देता। तो आपको थोड़ा सा फ्री होना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं कि अगर आप एक तरीके से ये सोच के बना के चलिए कि ये जो मैंने एग्ज़ाम देना है कि मेरे पास एक 100% कैपेबिलिटी है, मैं अपना फुलेस्ट ऑफ फुलेस्ट देना है, अगर मैं इसको नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूँगा या कुछ ना कुछ तो मेरा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अपना 100% देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन के टाइम में एक फोबिया रहता है और वो स्ट्रेस हमें कई बार इस लेवल तक ले जाती है, कुछ गलत कदम भी कुछ स्टूडेंट उठा लेते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इसके बारे में ये हो सकता है कि एक्चुअली स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है और एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता, कि मतलब लोगों को, बच्चों को ये दिखाया जाता है कि बस सिर्फ पढ़ाई एक फील्ड है, उसके अलावा तुम सक्सेसफुल हो नहीं सकते, जो कि कहीं ना कहीं सही तो नहीं है। आजकल तो इतनी फील्ड्स डेवलप हो चुकी हैं और बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता कि मतलब ये फील्ड्स एग्जिस्ट भी करती हैं। तो इस बारे में तो स्कूल्स को भी एक स्टेप लेना चाहिए। एक फंडामेंटल डिफ़िकल्टी है ये और मतलब स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है बच्चों के पास, क्योंकि उनको एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता इस बारे में कि और फील्ड्स भी एग्जिस्ट करती हैं। और मतलब अगर मेरा इनकेस यहाँ नहीं भी हुआ, एक बैकअप ऑप्शन बच्चों के पास होता ही नहीं, उनको लगता है कि खत्म है। जो IIT की आप बात कर रहे थे कि
बहुत बच्चे सुसाइड वगैरह भी करते हैं। इसमें सोसाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को इतना प्रेशर उनकी एग्ज़ाम के लिए नहीं होता जितना सोसाइटी की तरफ से होता है, जितना मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर उनकी फैमिलीज़ और उनकी सोसाइटी की तरफ से होता है कि अगर नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी कि इतना टाइम के बाद, इतना एफर्ट, इतना पैसा, इतना टाइम खर्च करने के बाद भी नहीं हो पाया। तो इसमें फैमिलीज़ को भी ना एक थोड़ी सॉर्ट ऑफ लिबरल अप्रोच लेनी चाहिए कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, तुमको एफर्ट पूरा देना चाहिए, एफर्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन रिजल्ट। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि एग्जामिनेशन फोबिया और कुछ हद तक एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो होना लाजमी है और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए वो हमारे अंदर होना भी चाहिए, लेकिन ये इस हद तक ना बढ़ जाए कि कहीं कुछ गलत कदम, जैसा कि आज के समय में हम देखते आए हैं कुछ जो बच्चे हैं वो उठा लेते हैं। इस तरह का जो एग्जामिनेशन फोबिया है, जो स्ट्रेस है, उसको दूर करने के लिए कुछ उपाय हमें अपनाने होंगे, जैसे कि हमारी दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, पंक्चुअलिटी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, एक समय जो हमारे पढ़ाई का रहता है उसमें गैप बहुत ही ज़रूरी है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें ज़रूर अपनानी चाहिए, योगा और मेडिटेशन हमें ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना चाहिए। इन तमाम अगर हम गतिविधियों को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन को हमें एक फ़न के रूप में लेना चाहिए, इसको एक फ़न की एक्टिविटी की तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक अंतिम अवसर की तरह, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से अवसर आएंगे और एक ही अवसर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एक बार असफल हो गए तो हम दूसरी बार किसी दूसरी फील्ड में नहीं जा पाएंगे, ये हमारे लिए अंतिम अवसर नहीं है, हमारे पास बहुत से अवसर आएंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।